भोजपुरी इंडस्ट्री की उभरती एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की आत्महत्या मामले में वाराणसी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सिंगर और प्रोड्यूसर समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। समर सिंह की गिरफ्तारी गाजियाबाद की चांद क्रिस्टल सोसाइटी से हुई है। देर रात वाराणसी पुलिस थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन पहुंची, जहां से समर सिंह को हिरासत में ले लिया गया। आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के बाद से ही समर सिंह फरार चल रहा था। समर सिंह को आज गाजियाबाद के कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ट्रांजिट रिमांड लेगी और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस उसे वाराणसी लेकर आएगी। समर सिंह को अभी नंदग्राम थाने में ही रखा गया है। आरोपी पिछले काफी समय से चाम क्रिस्टल सोसाइटी में छुपा हुआ था। पुलिस उसकी तलाश में कई जगह दाबिश दे रही थी। आकांक्षा की आत्महत्या के 11 दिन बाद आरोपी समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। आकांक्षा दुबे का भोजपुरी की उभरती हुई एक्ट्रेस थी। आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की उभरती हुई एक्ट्रेस थी। 26 मार्च को उनका शव वाराणसी के होटल सारनाथ के कमरे में फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला था। वो यहां पर एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पहुंची थी। एक्ट्रेस की मां ने समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर उनकी बेटी को ब्लैकमेल करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। तभी से पुलिस को इनकी तलाश थी। आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें आत्महत्या को लेकर कई तरह से सवाल उठ रहे हैं।